दोस्तों आज हम बात करेंगे सन 1966 में आई एवरेज फिल्मों के बारे में। 2 सितंबर सन 1966 को मदन मोहला साहब ने पेश की अपनी पारिवारिक फिल्म आसरा। आनंद बख्शी के गीतों के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। तुम कौन हो बताओ, तुम्हारा नाम है क्या, नाम है क्या। फिल्म के कलाकार थे विश्वजीत, माला सिन्हा, बलराज सानी, डेविड, प्रवीण पाल, जगदीप और अमिता जी। क्या होगा? फिल्म के निर्देशक थे सत्येन बोस। लिवर पेन स्टार्ट हो गए। गोपाल ड्राइवर को बुलाओ, जल्दी अस्पताल जाना पड़ेगा, जल्दी। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। फिल्म 1,50,00,000 रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। किस्सा क्या है इंस्पेक्टर साहब? रामगोपाल नाम के एक साहब है, मैं उन्हें जानता हूँ। ये उनकी लड़की से मोहब्बत का नाटक करते रहे, उसे बर्बाद किया, फिर उसे ब्लैकमेल करने लगे। डिस्ग्रेस। पहले तो वो लड़की ने रुपए पैसे गहने वगैरह देती रही, फिर उसे बर्दाश्त न हुआ, उसने अपने माँ बाप से कहकर हमारे यहाँ शिकायत की। आज ये साहब बाजार में कुछ गहने बेच रहे थे, वहां इन्हें गिरफ्तार किया। अभी तक कुछ गहने बरामद नहीं हुए, हम इनके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं, प्लीज हेल्प मी। आइए, थैंक यू। 11 सितंबर सन 1966 को F.C. मेहरा साहब ने पेश की अपनी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म आम्रपाली। आपके हाथ एक प्रेमी के नहीं, लहू से रंगे हुए एक हत्यारे के हैं, एक हत्यारे के। इतनी घृणा से ना देखो, इतनी घृणा से ना देखो। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। नील गगन के छाओ में दिन रैन गले से मिलते। आम्रपाली के कलाकार थे सुनील दत्त, वैजयंती माला, प्रेमनाथ, विपिन गुप्ता, जागीरदार, के एन सिंह, माधवी और सुलोचना जी। फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए। फिल्म 1,40,00,000 रुपए कमाकर भी बिलो एवरेज रही थी। जुलाई सन 1966 को A.R. कारदार साहब ने पेश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल दिया दर्द लिया। ये बोतल जरूर इस घर में कोई गुल खिलाकर छोड़ेगी, राम जाने किसने डालती है ये खराब आदत। आदत डाली नहीं जाती, डालनी पड़ती। फिल्म के गीतकार थे शकील बदायूनी साहब और संगीतकार थे नौशाद साहब। फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार साहब, वहीदा रहमान, प्राण रहमान, सज्जन, जॉनी वॉकर और श्यामा जी। शंकर, आतिशदान में आग तेज करो। फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए। शंकर, गिलास में शराब बनाओ। फिल्म 1,40,00,000 रुपए कमाकर भी बिलो एवरेज रही थी।
मेरी बात का जवाब दो। बस चार मार्च सन 1966 को मोहन सहगल साहब ने पेश की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म देवर। वाह वाह, क्या टू दी पॉइंट बात की है आपने। सच कहा है किसी महापुरुष ने कि बीबी बिना आदमी की जात, जैसे दिए बिना रात, जैसे नमक बिना भात, जैसे शक्कर बिना खीर, जैसे रांझे बिना हीर। फिल्म देवर के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और संगीतकार थे रोशन साहब। गुजरा जमाना बचपन का। फिल्म देवर के कलाकार थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, देवन वर्मा, शशिकला, दुर्गा खोटे, धूमल, सुलोचना और तरुण बोस साहब। लेकिन हमें तो लड़कियां अच्छी चाहिए। लड़कियों की क्या बात है माँ जी, खानदान अगर हजारों में एक है तो लड़कियां लाखों में, लाखों में क्यों करोड़ों में एक है। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। के सुरेश बाबू के लिए ठाकुर महेंद्र सिंह रिटायर मैजिस्ट्रेट की लड़की शांता, और शंकर बाबू के लिए बाबू गोपीनाथ वकील की बहन मधुमती का जोड़ मेरे तजुर्बे का निचोड़ है। फिल्म 1,10,00,000 रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। वो जमाना और था। फिर भी अगर आप इस रीत को नहीं तोड़ना चाहते तो शंकर सुरेश वाली लड़की को और सुरेश शंकर वाली लड़की को देखे, दोनों एक दूसरे की पसंद तो समझते ही हैं। क्या टू दी पॉइंट बात की है आपने। तो कब भेजते हैं लड़कों को? इस पूर्णमासी को। वाह वाह, क्या शुभ दिन है। 14 जनवरी सन 1966 को हरगोविंद दुग्गल साहब ने पेश की अपनी कॉमेडी फिल्म लड़का लड़की। आहा, जी पटाख डम डम, आमदनी ज्यादा खर्चा कम, वेरी गुड। जी पटाख डम डम, राजेंद्र कृष्ण के गीतों के संगीतकार थे मदन मोहन साहब। सुनिए आजकल की लड़कियों का प्रोग्राम, सुनिए सुनिए आजकल की लड़कियों का प्रोग्राम। फिल्म लड़का लड़की के कलाकार थे किशोर कुमार, मुमताज, आईएस जौहर, सुजीत, लक्ष्मी छाया और राज मेहरा साहब। रईस आजम सेठ, गिरधारी लाल, बनवारी लाल, पटवारी लाल एंड। फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए। आप और यहाँ? आप यहाँ कैसे? जी मेरा एक प्यारा दोस्त यहाँ रहता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। अच्छा, मेरी भी एक यहाँ पर प्यारी सहेली रहती है, मैं उसे देखने आई हूँ। अजीब इत्तेफाक की बात है कि मेरा प्यारा दोस्त और आपकी प्यारी सहेली दोनों यही रहते हैं। अच्छा? चलो अच्छा हुआ, लेडीज फर्स्ट, इन दिनों पहले आप जाइए जाइए। थैंक यू। जल तू जलाल तू, आई बना को टाल तू, शुक्र है आई और गई। फिल्म 1 करोड़ रुपए कमाकर भी बिलो एवरेज रही थी। न जाने कहां से खजूर की तरह चमका था। आइए आइए। शुक्रिया शुक्रिया। आप अपनी सहेली से मिलाई? जी जी हाँ, मेरी सहेली के पेट में सख्त दर्द शुरू हो गया। मैं डॉक्टर को टेलीफोन करने आई थी। आप यहाँ कैसे? मेरा दोस्त तो रहता ही यही है। आप दोनों को रईस आजम ने अंदर बुलाया। दोनों को? शायद सीता की लड़की आपके दोस्त है और शायद आपकी सहेली रईस आजम की लड़की है। सब कुछ होगी। 17 जून सन 1966 को शक्ति सामंता साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक फिल्म सावन की घटा। कमाल है जी, ना सज्जे ना खब्बे शंकर में जाके खड़ी करती। ए जेंटलमैन जी। सावन की घटा के गीतकार थे एस एच बिहारी और संगीतकार थे ओ पी नैयर साहब। फिल्म सावन की घटा के कलाकार थे मनोज कुमार, शर्मिला टैगोर, मुमताज, प्राण, मदनपुरी, जीवन और सज्जन साहब। ए मिस्टर, ए मिस्टर, ए छोकरा, छोकरी,
माफ करना, मैंने संजय छोकरा है। कितनी जोर से मारा। अगर कहे तो सहला दूं। शट अप। फिल्म का बजट था 55 लाख रुपए। क्या गड़बड़ है गड्डी में? क्या मालूम, आज ही तो डिलीवरी मिली है। डिलीवरी के वक्त ही कुछ गड़बड़ होती होगी। गॉड। हो गई छुट्टी। फिल्म 2 करोड़ रुपए कमाकर भी सेमी हिट रही थी। जयराम जी, जयराम जी का जवाब ना सही मगर अपना नाम तो बता दीजिए। सीमा देवी। सीमा, आप सी, यानी आप सीमा देवी हैं? 21 जुलाई सन 1966 को LB लक्ष्मण साहब ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म अनुपमा। छोड़ दे शो, छोड़। अरे कविता लिखना छोड़ दिया? क्यों? अरे तू तो पहलवान हो गया यार, तेरे पीछे बहुत दुख देखे ना, इसलिए मोटा हो गया। अच्छा तो दुख में आदमी मोटा हो जाता है? सारी दुनिया घुमाया लेकिन तू रहा गधे का गधा। गधे का गधा नहीं, गधे का दोस्त। चल मर गए। फिल्म अनुपमा के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी साहब। अच्छा तो प्रोफेसर साहब, मैंने प्रोफेसरी छोड़ दिया, आजकल मैं स्कूल टीचर हूँ, अध्यापक सर्वव्यापक। क्यों, कॉलेज से निकाल दिया? नहीं, निकाला नहीं गया, मैंने खुद ही छोड़ दिया। हम बड़ा अजीब लगता था, काम कुछ नहीं था, पैसे ही पैसे। 1966 के नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म को राष्ट्रपति का सिल्वर मेडल मिला था। काम ही काम, नो दाम। कितनी देर कर दी, क्या कहीं भाषण देने लग गए थे? देखो ना कितना वक्त हो गया। ओ, मुझे मालूम है, तो देख खड़ी मिली। चल चाय बना कर ला। अभी लाइक। कैफी आजमी साहब के गीतों के संगीतकार थे हेमंत कुमार साहब। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। फिल्म अनुपमा के कलाकार थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, शशिकला, तरुण बोस, डेविड, दुर्गा खोटे और नैना और दुलारी। जी सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम अशोक है, मेरी माँ और बहन को हॉलीडे कैंप से आप यहाँ लेकर आई हैं। आप बख्शी साहब की लड़की है ना? पर ये बख्शी विला है ना, तो फिर। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। ओह, हद कर दिया अशोक बाबू, इतनी देर कहाँ लगा दी? ये क्या, राशन के साथ में लेकर आए? ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई किसी के घर जाए तो सर पे बलम भी उठा ले। चलिए चलिए, ज्यादा बातें मत कीजिए, चलकर मुंह हाथ धो लीजिए। वैसे आपको मुंह धोने की जरूरत नहीं, उल्टा आपको देखकर अपना मुंह धोने को जी चाहता है। चलिए चलिए, आंटी जी और आपकी बहन समझती होंगी कि पता नहीं आप कहाँ खो गए। चलिए चलिए। फिल्म 96 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। तो एक से एक बढ़कर कैरेक्टर है, शॉर्ट स्टोरी तो क्या एक अच्छा खासा नॉवल लिखा जा सकता है। 30 जून सन 1966 को देवेंद्र गोयल साहब ने रिलीज की अपनी कॉमेडी फिल्म 10 लाख। घर से लड़कर आए हो क्या? मेरा मुंह ना खुलवाओ, मैं भगवान से भी लड़कर आया हूँ। You mean fight God? Fight father? आदमी बहुत इंटरेस्टिंग। क्या कहा? हम तुमको पसंद किया। Like you, I. फिल्म 10 लाख के गीतकार थे प्रेम धवन और संगीतकार थे रवि शंकर शर्मा साहब। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। फिल्म 10 लाख के कलाकार थे संजय खान, बबीता, ओम प्रकाश, प्राण, हेलेन, मनोरमा, रमेश देव, सीमा देव और प्रवीण पाल। कल रात से तेरा जाप कर रहा हूँ, आज मेरी लॉटरी निकल ही आनी चाहिए, सवा मन मोती चूर के लटूट रहूंगा। जय प्रजापति जी। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। अरे ये क्या होनी जरूरत बनाकर आया है, तो लीडर मर गया है? चाचा निहाल चंद सख्त बीमार है, उनकी ये चिट्ठी आई है, आपको फौरन बम्बई बुलाया है। बम्बई बुलाया मुझे? भाई वाह, आगे पीछे ना कोई चिट्ठी ना चपट्टी, अब मेरी याद आई है टहल सेवा के लिए। टहल सेवा के लिए तो बहुत से डॉक्टर और नर्सेस होंगे अस्पताल में। ओ, अस्पताल में पड़ा है तो जरूर फिर क्रियाकर्म के लिए बुला रहा होगा, मगर मुझे क्या पड़ी है कि मैं जाकर उसकी हड्डियां राख संभालूं। तू लॉटरी की बात कर, लॉटरी की? लॉटरी भी नहीं निकली। फिल्म 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। क्या हो गया आपको बाबू जी? देव की जल्दी पानी ले क्या बाबू जी? दोस्तों अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।
We'll be right back.